आज मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 15 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको अपन बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। जैसा कि शब्द से ही आपको एक्सप्लेन हो रहा है, सीमांत, सीमांत शब्द को आपको क्लियर कर चुके हैं। सीमांत मतलब जितनी इकाई का हम उपयोग कर रहे हैं उससे एक अतिरिक्त इकाई का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं सीमांत इकाई, उसी को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। ह्रास मतलब डिमिनिशिंग हो जाए, उसमें कमी आ रही है, किसमें, नियम में। तो सीमांत उपयोगिता में जब कमी आने लगती है तो उसको अपन बोलते हैं क्या, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता बताता है, लेकिन उनकी तीव्रता क्या होती है, सीमित होती है। जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग करता है, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। लेकिन दैनिक जीवन में हम यह अनुभव करते हैं कि यदि किसी वस्तु की आर्थिक इकाइयाँ उपभोक्ता के पास बढ़ती चली जाती हैं तो उस वस्तु के बाद आने वाली आर्थिक इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है, अर्थात पूर्ण संतुष्टि उसको हो जाती है। इस नियम को पहले 1852-54 में गॉसेन ने बनाया था। इस नियम को मार्शल ने नाम दिया तथा जेवंस ने इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गॉसेन के अनुसार इस नियम को उन्होंने कैसे परिभाषित किया है। जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उस वस्तु की संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो जाती है। इसको हम नॉर्मली एक उदाहरण के द्वारा प्रेषित कर सकते हैं कि जैसे हम बहुत तेज़ भूख लगती है तब हम रोटी का उपभोग करते हैं तो शुरू में जब हम दो रोटी खा लेते हैं तब तक कुछ संतुष्टि हमें मिलती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी मात्रा को बढ़ाते जाते हैं हमारी भूख मिटती जाती है, अर्थात एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ हमारी संतुष्टि की मात्रा घट जाती है और जब तक पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हो जाती है हम अपने आप को उस समय तक रोटी का खाना उपभोग तो करते हैं लेकिन क्या होता है, क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पूर्ण संतुष्टि के बाद में जब हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं रोटी का तो हमें वह पॉजिटिव ना करके ऋणात्मकता प्रदान करती है। इस तरह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ क्या हो गया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं तो एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ हमें पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि, परफेक्ट सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो जाता है और उस बिंदु के बाद में हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें उससे नेगेटिविटी प्राप्त होती है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मतलब उपयोगिता का कम होना और एक बिंदु पर जाकर सेटिस्फेक्शन को प्राप्त या गेन कर देना। इसकी कुछ असम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं। असम्पशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे वस्तु की सभी इकाइयां क्या होती है, एक समान मान ली गई। असल मान्यताएं का विषय हमने आपको बताया था, मान्यताएं वह चीज़ होती है कि जब वो लॉ फॉलो किया जाता है जिन परिस्थिति में जिस पर्टिकुलर टाइम में उस समय कुछ चीज़ों को अपन ने स्थिर मान लिया जाता है। तो वस्तु की सभी इकाइयाँ क्या है, एक समान है, अर्थात गुण एवं आकार में सभी इकाइयाँ एक जैसी होती हैं। उपभोग प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, स्वभाव तथा आय आदि को समान मान लिया, एक समान या कांस्टेंट मान लिया गया है। बिना किसी समय अंतराल के वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और मुद्रा की यह सीमांत उपयोगिता है मार्जिनल यूटिलिटी, वह क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और नेक्स्ट है उपभोक्ता का मानसिक स्थिति में कोई उपभोक्ता की जो मानसिक साइकोलॉजी है उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए और उपयोगिता का जो गुणात्मक दृष्टिकोण है, संख्यात्मक माप है, वह यहाँ पर संभव होता है और वस्तु का उपभोग उपयुक्त इकाइयों में ही होना चाहिए। ये कुछ मान्यताएं हैं, असम्पशंस हैं जिनको मान करके उपयुक्ता ह्रास नियम लेकर के चलता है। अब उपयुक्ता ह्रास नियम के लागू होने के कुछ केसेस हैं, कॉसेस हैं, कारण हैं जिससे कारण उपयुक्ता ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत उपयुक्ता ह्रास नियम,
फर्स्ट स्टेप लग गया है, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती हैं। जैसे कि कोई भी वस्तु वास्तविक जगत में किसी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होती है, बल्कि कैसी क्लोज सब्स्टिट्यूट निकट स्थानापन्न होती है। इस कारण जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उस वस्तु के लिए उस विशिष्ट आवश्यकताओं की तीव्रता कम होती जाती है, लेकिन अगर इस वस्तु की इकाइयां दूसरी अन्य आवश्यकताओं की संतुष्टि में प्रयुक्त हो पाती तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कभी भी कम नहीं होती। इस प्रकार यदि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थापन होती हैं या परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्यशील ही नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि। इस नियम की क्रियाशीलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि यद्यपि किसी उपभोक्ता की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि नहीं की जा सकती है, परंतु किसी एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो उसकी आवश्यकताओं की तीव्रता कम होती चली जाती है, और अंत में एक बिंदु ऐसा आता है जब वह इस वस्तु की कोई भी इकाई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। इस तरह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस उपभोक्ता के लिए क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन हमारा लॉ का नियम जो है उपयुक्त सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि नॉर्मल जीवन हम देखते हैं जब उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ बढ़ती चली जाती हैं तो उस वस्तु की बाद में प्राप्त होने वाली उपयोगिता से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होती है वह कैसी होती है, घटती चली जाती है। इस नियम को निम्न प्रकार से तालिका के द्वारा स्पष्ट या टेबल के द्वारा स्पष्ट किया गया है। टेबल के फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर ऑफ एप्पल, हमने यहाँ पर सेव किए जो एप्पल है उसकी क्वांटिटी को लिया है। नेक्स्ट सेकेंड है एम यू मार्जिनल यूटिलिटी, और थर्ड है अपना टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता। जैसे हम देख रहे हैं सेव की इकाइयों में वृद्धि होती चली जाती है, सीमांत उपयोगिता भी हमारी क्या हो रही है, पहले कम होती है उसके बाद में बढ़ जाती है। जैसे कि फर्स्ट इकाई का प्रयोग कर रहे हैं तो एम यू हमारी कितनी है, 20 है। टी यू कितनी है, 20 है। सेकेंड इकाई को जब बुक करते हैं तो एम यू क्या होती है, 20 से 25 हो जाती है, और टी यू कहते हैं 20 से 45 हो जाती है। जो एम यू है वो टी यू के जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकेंड इकाई का, उससे अपन एम यू को निकालते हैं। जैसे 45 है, 45 से 20 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 25 होगा। इसी तरह से नेक्स्ट इकाई से अपर की इकाई है उसको माइनस कर देने पर जो शेष बचता है वो हमारा क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी कहलाता है, उसको अपन कहते हैं। तो इस तालिका में अपन ये देख रहे हैं 1 से लेकर 8 इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, तो एम यू क्या हो रहा है, फर्स्ट से लेकर सेकेंड इकाई पर तक अपन क्या हो रहा है, 6 पे जाकर के 0 हो गया है, 5 तक कम होता जा रहा है। टी यू हमारा क्या हो रहा है, एक क्रम में बढ़ रहा है, 75 तक जाकर के स्थिर हो गया है, और फिर 75 पर जाकर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। जैसा कि हमने अभी आपको पूर्व में लेक्चर में टोटल यूटिलिटी कैसे निकालते, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते उसको एक्सप्लेन किया था, उसी के बेस पर इस टेबल को बनाया गया है। इसी टेबल को अपन डायग्राम में देख रहे हैं, तालिका से जो स्पष्ट हो रहा था जैसे सेवों की संख्या का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या होती, घटती चली जाती है। तो सेव की छठवीं इकाई पर सीमांत उपयोगिता कैसी हो गई थी हमारी, शून्य हो जाती है। यह उपभोक्ता कौन सा बिंदु कहलाता है, सेटिस्फेक्शन पॉइंट, तृप्ति बिंदु कहलाता है। इसके पश्चात सेवों का अधिक मात्रा में उपभोग करने पर इनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता हमारी कैसी होती, नेगेटिव हो जाती है। इस प्रकार चित्र में एक्स अक्ष पर सेवों की संख्या को लिया गया है, वाई अक्ष पर अपने सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी को लिया गया है। एमयू उपयोगिता वक्र है जो गिरता हुआ है, यह वक्र हमें यह दर्शाता है कि जैसे जैसे सेवों का उपभोग बढ़ता चला जाता है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। डायग्राम में ऊपर वाले अपर पोर्शन में हमने क्या लिया, टोटल यूटिलिटी को लिया है, कुल उपयोगिता को लिया है, और नीचे वाले पोर्शन में मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित किया है। कुल उपयोगिता कर्व क्या हो रहा है हमारा, सीधे यू शेप में, उल्टे यू शेप में आगे बढ़ के हुए नीचे क्यों गिर रहा है, मतलब कुल उपयोगिता स्टार्टिंग में बढ़ती चली जाती है, एक बिंदु पर जाकर कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद में क्या हो रही, नीचे क्यों गिर रही है। और उसी के समकक्ष हम देख रहे हैं वो कौन से छठवीं इकाई पर जाकर कांस्टेंट होती है, तो डायग्राम में भी नीचे 6 पॉइंट पर हम देख रहे हैं सीमांत उपयोगिता हमारी 0 हो जाती है, और 0 के बाद नीचे आकर के क्या होती है, माइनस हो जाती है। अर्थात सीमांत उपयोगिता एक बिंदु के पश्चात माइनस हो जाने के कारण उपयोगिता में जो कमी हो रही है उसी को अपन सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के द्वारा
जाना जाता है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कुल और सीमांत उपयोगिता के बीच जो मुख्य अंतर यह है कि कुल उपयोगिता उपभोक्ता को वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करने से प्राप्त कुल संतुष्टि को प्रदर्शित करती है, जबकि सीमांत उपयोगिता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई की जो खपत होती है उससे प्राप्त जो अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसको दर्शाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आपका पूरा परफेक्ट यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका लॉ रहेगा सम सीमांत उपयोगिता नियम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसको लेकर के हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।